नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे किसी का उम्र निकाला जाता है। उसके लिए उस व्यक्ति का जन्म तिथि पता होना चाहिए और किस तारीख को उसका उम्र निकालना है वो निश्चित कर लेना चाहिए। यहाँ हमने दो क्वेश्चन लिया है, इसे हम सॉल्व करके समझेंगे कि कैसे उम्र निकालते हैं किसी का भी। उम्र को निकालने के लिए हमें तीन पार्ट में इसे बांट देना है, दिन, माह और वर्ष। तो सबसे पहले हम आज की तारीख जो है वो नोट कर लेंगे, जैसे कि हमने अपने मन से एक तारीख ले लिया है 15/4/2024। इस तारीख को हमें निकालना है कि उम्र कितना है, और जन्म तिथि जो है वह है 12/3/1982। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो सबसे पहले दिन से करेंगे हम। तो 15 में 12 माइनस करना है, तो 5 में 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा और 1 0 हो गया, ये दिन निकल गया। अब माह में हम माइनस करेंगे, 4 में 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा और 0 का यहाँ 0 उतर जाएगा। अब वर्ष में माइनस करना है 2024 में 1982 को, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये बगल से पहचान लेना होगा तो 12 हो जाएगा। 12 में 8 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये 9/9/0 हो जाएगा और यहाँ 1/1/0 हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम उम्र निकालते हैं किसी भी व्यक्ति का जिसका जन्म 12/3/1982 को हुआ है और हमें 15/4/2024 को निकालना है, तो 42 वर्ष 1 महीना 3 दिन निकलता है। ये तो आसान तरीका था, चूंकि इसमें कोई खास पहचान लेना नहीं पड़ता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, जिस दिन निकालना है उसे हम ऊपर लिखेंगे और जन्म तिथि जो है उसे हम नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम, जैसा कि ये पहला वाला है दिन, 16 में 25 घटाएंगे तो 16 में 25 तो घटेगा नहीं, तो हमें माह वाले कॉलम से इसे एक पहचान लेना होगा। जैसे ये जो है माह वाला कॉलम में एक महीने के रूप में, ये एक महीने के रूप में आ जाएगा पहचान। तो एक महीना में होता है 28 दिन भी होता है, 29 दिन भी होता है, 30 और 31 दिन भी होता है, तो कितना दिन लेना है उस बात का निश्चय नीचे वाले कॉलम में जो माह वाला है उससे होगा। ये 10 है, 10 का मतलब हो गया अक्टूबर माह, अक्टूबर माह में 31 दिन होता है, तो 31 दिन होता है तो यहाँ पर हम 31 दिन के रूप में ये यहाँ पर आएगा, ये एक महीना जो आया यहाँ पर वो 31 दिन का हो गया। तो 31 और हम इसे जोड़ देते हैं, 31 और 16 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 7 3 1 4, 47 दिन हो गया। अब हमें 47 दिन में 25 दिन को घटा देना है, तो इसे यहाँ पर घटा देते हैं हम, ये प्लस हुआ था और यहाँ पर ये माइनस कर देना है। 7 में 5 गया 2 हो गया और 4 में 2 गया 2, 22, ये 22 दिन हो गया। इस तरह से ये दिन वाला निकल गया है। अब हम माह वाला निकालेंगे, जैसा कि ये माह वाला एक महीने का यहाँ पहचान दे चुका था, तो अब यहाँ पर 5 महीना बच गया है, एक महीना दे चुका था 5 महीना बच गया है। अब 5 में 10 तो घटेगा नहीं, तो अब ये वर्ष वाले कॉलम से यहाँ पर पहचान आएगा। तो वर्ष में भी उसी प्रकार नियम है कि एक वर्ष आएगा यहाँ पर पहचान के रूप में, तो एक वर्ष आने का मतलब है कि 12 महीना, तो 12 महीना आएगा तो 5 में 12 जोड़ देंगे, ये एक वर्ष 12 महीने के रूप में आया। अब 5 और 12 को जब हम जोड़ देते हैं तो होता है 17 महीना हो जाता है, 12 और 5 17 हो जाता है। अब हम 17 में 10 को घटा देंगे, ये घटा देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर 7 महीना होता है, तो यहाँ पर 7 महीना हो गया। इस तरह से माह वाला कॉलम भी निकल गया। अब 2024, जैसा कि एक वर्ष यहाँ पर पहचान दे चुका है, तो ये 2024 नहीं बचता है, ये 2023 बचेगा, एक वर्ष घट गया है। अब हम यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर
दो में नौ नहीं घटेगा तो एक बगल से पैंचा ले लेंगे, तो 12 में नौ घटाएंगे, 12 में नौ घटाएंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये बच गया यहाँ पर 9, 9 और 9 जीरो हो गया, और एक यहाँ बच गया है जो कि पैंचा दे चुका था, एक और एक जीरो हो गया। इस तरह से 31 वर्ष 7 महीना 22 दिन निकलता है। यदि जन्मतिथि ये हो और इस तारीख को निकालना हो तो इस तरह से हमने इस वीडियो में यह सीखा कि कैसे किसी व्यक्ति का उम्र निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।